एक सिविल सूट की एंडिंग हमेशा उस सिविल सूट के अंत में कोर्ट द्वारा दिए गए डिक्री से होती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि दोनों ही पार्टीज उस डिक्री के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएं या उससे संतुष्ट हो जाएं। जब भी कोई पार्टी उन डिक्री से असंतुष्ट होती है तो ऐसी पार्टी को एग्रीव्ड पार्टी कहा जाता है, और इन एग्रीव्ड पार्टी के पास एकमात्र रेमेडी या उपचार अपील का बचता है, जहाँ पर वो इन सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिग्री के अगेंस्ट इनको चैलेंज करते हैं एक सुपीरियर कोर्ट के अंतर्गत। और इसी अपील के बारे में प्रोविज़न दिया गया है सीपीसी के ऑर्डर 41 और ऑर्डर 42 में, और आज के इस वीडियो में हम इसी अपील के अंतर्गत फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के मेन प्रोविजंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। सामान्य शब्दों में अपील का मतलब एक इन्फीरियर कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अगेंस्ट जब भी उनका एग्जामिनेशन एक सुपीरियर कोर्ट द्वारा किया जाता है तो इस पूरे जुडिशियल प्रोसेस को अपील के नाम से जाना जाता है। सीपीसी के ऑर्डर 41 में दिए गए फर्स्ट अपील के बारे में प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 96 से लेकर 99A तक। इनको फर्स्ट अपील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक इन्फीरियर कोर्ट द्वारा एक सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विषय में जो भी उनकी डिक्रीज होती हैं, जो कि वो अपना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को एंजॉय करते हुए उसके केस के उसके जुरिसडिक्शन में आने वाले जो निर्णय होते हैं उनमें देते हैं, और इसके अगेंस्ट जब उससे सुपीरियर कोर्ट में जब अपील की जाती है तो इन अपील्स को फर्स्ट अपील के नाम से जाना जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत जितने भी अपील्स आएंगी वो हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ से ही रिलेटेड आएंगी, इससे अदर किसी भी चीज में ये फर्स्ट अपील के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। इसके अलावा सेकेंड अपील्स के प्रोविजन दिए गए हैं सीपीसी के ऑर्डर 42 और सेक्शन 100 से लेकर 103 तक। इनको सेकेंड अपील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट अपील के अगेंस्ट एक सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा एपिलेट डिग्रीज के मामले में जब वो फर्स्ट अपील के सिलसिले में जो वो डिग्रीज देते हैं उनके अगेंस्ट जब फिर से अपील की जाती है तो इनको सेकंड अपील के नाम से जाना जाता है। इनको अपील्स फ्रॉम एपिलेट डिग्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपील के अगेंस्ट अपील्स होती हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि जब फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील दोनों में ही एक डिग्री के अगेंस्ट इन्फीरियर कोर्ट की डिग्री के अगेंस्ट सुपीरियर कोर्ट में अपील किया जाता है, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाता है, तो आखिर इन दोनों में ही अंतर क्या हुआ? तो इनके अंतर के बारे में हम आपको तीन पॉइंट्स बताने वाले हैं जहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंस हैं, वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इनके बीच में सबसे पहला अंतर ये है कि जो फर्स्ट अपील्स होती हैं वो उस डिक्री के खिलाफ दायर की जाती हैं जो कि एक कोर्ट द्वारा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए वो डिक्रीज पास की जाती हैं, जबकि सेकंड अपील्स दायर की जाती हैं उस फर्स्ट अपील के खिलाफ जो कि एक एपिलेट कोर्ट द्वारा की जाती हैं। इनके बीच में दूसरा अंतर यह है कि जो एक फर्स्ट अपील होती है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर इन दोनों के ही मिक्स ग्राउंड के बेस पे दायर की जाती है, इनको एक कोर्ट में दायर किया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड अपील्स होती हैं वो हमेशा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड होती हैं। अब यहाँ पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होते हैं, इनको कहीं भी एक जगह पर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ढेर सारे केसेस के अंतर्गत एक कोर्ट द्वारा ये बताया गया है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि पहली चीज़ तो एक जनरल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए और दूसरी चीज़ ये एक केस के अंतर्गत फाइनल डिसीजन देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जिनके बिना एक फाइनल डिसीजन को नहीं डिसाइड किया जा सकता। और तीसरे और सबसे लास्ट डिफरेंस के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक फर्स्ट डिग्री जो होती है वो जब एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ किसी सुपीरियर कोर्ट में दायर की जाती है तो वो सुपीरियर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर यह मामला सेकंड अपील से रिलेटेड है तो इसमें हमेशा ये जो अप्लाई किया जाएगा वो एक हाई कोर्ट में ही किया जाएगा, हाई कोर्ट से इतर कहीं दूसरी कोर्ट में नहीं किया जा सकता। तो ये थे सीपीसी के ऑर्डर 41 और 42 में दिए गए फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के मेन प्रोविजंस और इनके बीच में डिफरेंस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।